एलपीजी के लिए, एलपीजी के लिए जी। ये आप चाहें तो नेचुरल गैस में भी चला सकते हैं, अगर होता है उसे खास एलपीजी के लिए। पाइप पैनल जो होता है स्टार्टिंग जो है 8,500 रुपये है, हल्के सेल का जो ये लगा हुआ है। बारी से बारी जाएंगे तो 15,000 तक का भी है 5 चूल्हो के अंदर। इसमें ब्रास के बनल दिए होते हैं बड़े बड़े, जो बनल छोटे ना, ये बनल दिए होंगे बड़े बड़े, जैसे वो बनल लगा हुआ है ऐसे बनल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, 5 बनल एक जैसे होंगे। ये ग्रे वाला है, ये थोड़ा हल्के के अंदर है, ऑटो जो मैंने आपको दिखाया पहले लाइट लैंप खोल के दिखाया उसी का ये हल्का वाला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूँ माइन होम अप्लायंसेस में। आज हम तमाम कंपनियों की चूल्हों की वैरायटी देखेंगे, तमाम चूल्हों की कीमत के बारे में मालूमात लेंगे। आई एम रेहान, वेलकम टू माय चैनल। चले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, चूल्हे के बारे में। जी सर, ये होता है मार्बल, ये जो है मार्बल में फिट भी कर सकते हैं और वैसे ऊपर भी रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो है पैर दिए में, ठीक है, नीचे जी सर। आप चाहे मार्बल में कर लें, आप चाहे ऊपर रख लें, सब में हल्के से हल्का और इससे भारी क्वालिटी आती है। नेचुरल कंपनी का होता है वो, ये रखा हुआ, ठीक है। 5 नग का जाल होता है, ठीक है, प्योर स्टील की टॉप होती है, भारी के अंदर होता है, ठीक है। इसके प्राइस होते हैं 6,500 रुपये सर, ठीक है। और इसके अंदर एक और भी आता है वाइट कलर के अंदर, ये रखा हुआ, ये वाइट में आ गया, ठीक है, ये वाइट के अंदर है। और इसी का एक ब्लैक भी आता है, ये देख ब्लैक में भी है जी। डिज़ाइन जो है इसमें मिल जाता है, इन सबकी 1 ईयर वारंटी होते हैं इसके अंदर जी। डिज़ाइन मुख्तलिफ होते हैं जी। 3 बनल है इसमें, 2 आता ही नहीं है, स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। और भारी के अंदर इसके जो होते हैं 8,500 रुपये, फाइनल जो आता है 6,300 रुपये का फाइनल आ जाता है। तो मार्शल कंपनी का आता है इसमें, इसमें फूल पत्तियों में डिज़ाइन मिल जाते हैं, ये देखें नीचे वाले से और ऊपर वाले में बहुत फ़र्क है। एक तो जंबो साइज बनल हो गया, ठीक है, दूसरा इसका वाल जो है ना पीतल का हो गया, और 1+5 गारंटी होगा इसकी, ठीक है। ये 8,500 रुपये का, 8,500 रुपये का जी। कंपनी कौन सी है ये जी? मार्शल, पता है बहुत होता है कंपनी का। जिस भाई को वाइट चाहिए वो वाइट भी ले सकते हैं, चीज सेम होगी। भाई जी शीशा, दिन भाई को चाहिए शीशा, ये देखें शीशे में भी है जी। शीशा जो होता है ना हीट प्रूफ टेम्पर्ड गिलास होता है और इम्पोर्टेड वाल के साथ होता है। आम चूल्हा यहाँ तक चलता है, पूरा यहाँ तक चलेगा, अच्छा, ठीक है। ऑटो भी होता है, ये जाली वगैरह जो होती है ना इसकी, चाइना की जाली होती है, बड़े से बड़ा पतीला आएगा ना डगमगाएगा नहीं है। कैनवास का जी भाई, ये ब्रास के बनल होते हैं, ये देखें ब्रास से, बिल्कुल बनल जो है ब्रास के होते हैं। लाइट फ्लेम का पक्का बहुत होता है। आम चूल्हे में मेटल की प्लास्टिक की नॉब होती है, ये मेटल नॉब दी हुई है। वाल वगैरह भी जो है इसका चेक नट है, ऑटो का भी ख़राब नहीं होगा इसका, ये ऑटो भी दिया हुआ होता है साइड में, ठीक है। बाकी एक और आता है, ये रखा हुआ आता है 15,700 रुपये का, डिस्काउंट काट के आपको पड़ेगा 15,200। ये एक और आता है, ये कास्ट केरन की जाली होती है, ठीक है। तो रोटी वगैरह बनाते हैं ना, रोटी चिपक जाती है, इसको रोटी नहीं चिपकेगी। बनल जो है इसका भीड़ का होता है, ठीक है। आजकल जो आ रहे हैं क्रिस्टल के नाम से मैग्नेट होते हैं, ये प्योर एसेंस की टॉप है, ठीक है। और ये भी वाल डबल हो गई, देखिए क्रिस्टल फ्लेम। 10 mm ग्रिल मोटी है इसकी, ठीक है। 1, 2, 3 स्टेप बनल है, 1 ईयर वारंटी है इसकी भी, ठीक है। गोल्डन फ्लेम के नाम से आता है ये। ये जाली वगैरह जो होती है ना क्रॉस जाली होती है, बड़ा सा फ्लेम के नाम से होता है, रोटी इसमें फंसेगी नहीं, ये ऐसी जाली है, ठीक है। और ये ब्लैक टॉप होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल शीट होती है। जैसे अपन जूने वगैरह से मानेंगे ना तो ये वाइट नहीं पड़ेगा, ब्लैक ही रहेगा, इलेक्ट्रिकल शीट होती है जी। ये जाली थोड़ी चकोर है, ठीक है, ये छोटी जाली है, ठीक है, और इसकी बड़ी जाली जो होगी वो भी है, दोनों एक ही नाम होगा छोटी जाली। इसमें 10 नग के हैं, ये देख लें। और बनल जो दिया हुआ है इसका, बड़ा बनल दिया हुआ है, देगी बनल लगा हुआ है, वो मेटल के बटन होते हैं इसमें, ठीक है। और ये टॉप होगी, इलेक्ट्रिकल शीट है, हटेगी नहीं कभी, अच्छा।
ठीक है। बाकी ये चूल्हे आ जाते हैं, ये चूल्हे दिखा देंगे। ये देखिए ये जाली होती है नीचे, ये जाली होती है, ये जाली होती है इसके नीचे, ये जाली होती है। छोटा साइज होता है, एक तरफ डबल बटन होता है, 1 2 3 फोर स्टेप बनल होता है ये, ठीक है, फुल स्टील में ही है जी। MS होता पाकिस्तान का अपना, ये 4500 रुपए। ये टे वाले चूल्हे होते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं। फिर एक आता है इसी में पाइप वाला, इधर आके ये पाइप जो है 7-8 महीने में गल जाते हैं, तो ये बिल्कुल हल्की चादर में होता है, ठीक है। ये आपको 2500 रुपए तक आ जाता है कम से कम, ठीक है, डिस्काउंट काटने के बाद 2250 रुपये का पड़ता है जी। 2 बर्नल है, एक साइड डबल बटन होता है, एक साइड सिंगल बटन है। ये ऑटो होता है LPG के लिए, LPG के लिए जी। ये आप चाहें तो नेचुरल गैस पे भी चला सकते हैं, अगर होता है उसे खास LPG के लिए। जी क्या प्राइस है इसके? ये वाला 2250 रुपये, 2250 रुपये का जी। बर्नल भी होता है हमारे पास, 5 बर्नल जो होता है, स्टार्टिंग जो है 8500 रुपये है, हल्के से हल्का जो ये लगा हुआ, इसमें भारी से भारी जाएंगे तो 15000 तक का भी है 5 चूल्हों के अंदर। इसमें ब्रास के बर्नल दिए होते हैं बड़े बड़े, जो बर्नल छोटे ना, ये बर्नल दिए होंगे बड़े बड़े, जैसे वो बर्नल लगा हुआ है ऐसे बर्नल यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, 5 बर्नल एक जैसे होंगे। ये ग्रे वाला है, ये थोड़ा हल्के के अंदर है ऑटो, जो मैंने आपको दिखाया पहले लाइट लैंप खोल के दिखाया उसी का, ये हल्का वाला जी, उसका हल्का वाला, वो भारी है वाला 6500 रुपये का, ठीक है, 8000 रुपये जी। हल्का नए होते हैं कि जाल वगैरह देखेंगे, ठीक है, मैट स्टील होता है, ठीक है, इसको जूने से जितना भी रगड़ते रहो ये कभी स्क्रैच नहीं आएंगे इसको। अच्छा, मैट स्टील होता है, ओरिजिनल 1 नंबर मार्श है, इसकी भी 1+5 गारंटी है, ठीक है। तो बाकी ऑटो दिखा देता हूँ आपको, ऑटो आ गया, ऑटो में आ गया जी। ऑटो देखो सेल लगाने पड़ता है, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, पुश करेंगे ना तो ऑटो काम करेगा, स्पार्क निकलेगा यहाँ से, ये दिया हुआ लाइटर यहाँ से निकलेगा जी, स्पार्क निकलता है, मैनुअल सदा बाहर है। इसको रिपेयरिंग कराने भी जाते हो तो 500-800 में कोई भी बना देता, इसकी सर्विस चार्जेस थी खाली 1500 रुपये। लेकिन ये ऑटो कभी ख़राब नहीं होगा, चेक नट दिया हुआ इसमें, आप खोलेंगे दूध वगैरह कुछ भी अंदर जाएगा आपको खोल के सीधा सफाई करनी है, ठीक है। बाकी आम चूल्हे के अंदर जो आ रहे हैं उसी रबड़े लग के आ रही हैं, पीतल के वाल होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होगा सिल्वर का वाल होगा, सही है, वाल दिए हुए ना पीतल के वाल होते हैं, इसके अंदर भी वाल होता है एक, वो भी पीतल का होता है। टेक में वो इसका एक और डिज़ाइन है, छोटी सी छोटी पतीली आ जाएगी इन दोनों जालियों पर, ठीक है। और इसके अगर चको जाली बोलते हैं, ये चको जाली के अंदर आ जाएगी, इसको वेट करने में भी भारी है, ठीक है। ये देखें जो आपको दिखाया मैंने, उसके अंदर चेक नट है, ये रबड़ लगी हुई, रबड़ लगी हुई, इसमें जो भी जाएगा डायरेक्ट अंदर जाएगा, ये ऑटो का स्पार्क दिख रहा है सीधा, इसमें ऑटो जल्दी ख़राब होगा, इसकी वजह से ये सब कुछ दूध अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्ट अंदर जाएगा, बॉर्डर भी नहीं दिया, बॉर्डर भी नहीं है, जो भी गिरेगा डायरेक्ट इधर गिरेगा, अगर ज़्यादा गिरा तो डायरेक्ट पट्टों में जाएगा। ये जो है ना मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रबड़े लगी हुई है, रबड़ से थोड़ी बहुत बजट तो लगा हुआ है वाल के नीचे, कुछ जा ही नहीं सकता, कंसील्ड है। अच्छा। ये बर्नल भी पूरा कंसील्ड है। अच्छा। ये बर्नल ओपन है, देख रहे हैं, सही ओपन है बिल्कुल जी, ये ओपन है, ये चको जाली हो गई तो बर्नल में फर्क आ गया, और वाल के अंदर वो राउंड शेप जाली है, ठीक है, राउंड शेप जाली है, गोल जाली है, ठीक है, बर्नल भी वो है, ठीक है, और वाल भी जो इसका चेकनट वॉल है, ठीक है। दुकान का नाम है महाम इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लालू खेत मेन इलेक्ट्रिक मार्केट है, ठीक है, लालू खेत का 10 नंबर का मेन पुल उतर रहा, उसका एक कट छोड़े दूसरे कट पे हमारी दुकान पड़ ली, ठीक है, सुबान साइकिल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ। गाइस ये थी आज की वीडियो हमारी तमाम चूल्हों के हवाले से, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।